नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी आप सबका मेरे चैनल टेस्टी रेसिपी भंडार में स्वागत करती हूँ। आज मैं डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है टमाटर का झटका, जो मेरे पापा ने मुझे सिखाई है। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। टमाटर का झटका बनाने के लिए पहले हम टमाटर, लाल टमाटर बड़े साइज में लेंगे और इनको हम भूनने के लिए रखेंगे। इसको टमाटर हमने भूनने के लिए चढ़ा दिए हैं, इसको 15 मिनट हमको धीमे आंच में इसको भूनने देना है। टमाटर को गैस पे भूनने के लिए चढ़ा दिया मैंने। टमाटर को भूनते समय आप चलाते रहिए जिससे टमाटर चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। टमाटर हमारा भुन गया है, अब इसके बाद हम भुने हुए टमाटर चटनी बनाने के लिए लहसुन को भी भूनेंगे गैस पे और हरी मिर्ची को भी हम भूनेंगे। उसको हरी मिर्ची को भूनने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि इसको पहले कट लगा दीजिएगा, ये ऐसा करके इसको हम कट लगाएंगे। अब इसको हम जायब चिमटे के द्वारा इसको गैस पे रख के इसको आप भून सकते हो और इसको बहुत ज्यादा देर तक भूनना नहीं। जैसे आपने टमाटर 15 मिनट दिए हैं तो लहसुन को 5 मिनट में ही भून जाएगा। अगर आप 15 मिनट दोगे तो लहसुन आपका जल सकता है। सो जैसे थोड़ी देर इसको आपको केवल 5 मिनट्स के लिए आपको इसको भूनना है धीमे आंच में, उसके बाद इसको आप निकाल के छिलका उतार के रखना है। अभी भूनने के बाद हम टमाटर का ऊपर से इसका छिलका हम को उतारना है। देखिए अच्छी तरीके से छिलका उसका उतार लीजिए आप इस तरीके से। देखिए पूरा छिलका आपको अच्छी तरीके से उतारना है। अभी भुने लहसुन को हमको पत्ता पत्ता काट लेना है। देखिए इस तरीके से एकदम बारीक उनको काटना है और जो हमने मिर्ची, हरी मिर्ची भुनी हुई थी उसको भी हमें पत्ता पत्ता काटना है। ये देखिए अब ये भुने हुए जो हमारे टमाटर हैं जिनके हमने छिलके उतारे हुए हैं इनको हम अच्छी तरीके से हाथ से हमें मैश करना है। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से जैसे हम भरता बनाते हैं चटनी के लिए सीजे इसको मैश करते हैं, उस तरीके से हमें ये भुने हुए टमाटर को अच्छी तरीके से मैश करना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ करके। ये देखिए अभी टमाटर हमने मैश करके रख लिया है। अब इसमें जो हमने भुने हुए लहसुन और मिर्ची को अब इसमें हम डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसमें स्वादानुसार हम नमक ऐड करेंगे। अभी नमक हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम टमाटर का झटका इसलिए दे रहे हैं कि अब इसमें लास्ट में हम सरसों का तेल मिक्स करते हैं। 2 स्पून इसमें हम सरसों का तेल मिलाएंगे जिससे एकदम ये झटके जैसा स्वाद आएगा, इसलिए इसको हम टमाटर का झटका नाम दे रहे हैं। अभी इसमें हम लास्ट में धनिया के पत्ते से इसको डेकोरेट करेंगे, हरी धनिया के पत्तों से। ये देखिए हम इसको धनिया से डेकोरेट कर देंगे। अब हमारी ये टमाटर की, भुने टमाटर की चटनी तैयार है जिसको आप स्टफ पराठे के साथ में, मूली के पराठे हैं, गोभी के पराठे हैं, आलू के पराठे के साथ में खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, दाल चावल के साथ में खाते हो। आज तक आपने जितने भी टमाटो सूप ट्राई किए होंगे, टमाटर की तरह तरह की चटनी ट्राई की होंगी, लेकिन ये चटनी, ये जो टमाटर का झटका, ये सबसे डिफरेंट टेस्ट देगा, इसका मैं दावा करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल टेस्टी रेसिपी भंडार को सब्सक्राइब कीजिए।